बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम अलैकुम। आज हम सूरा अल फरकान की आयात नंबर 52 और 53 को शेयर करने की सआदत हासिल करते हैं। वफलातूती अलकाफिरीना वजाहिदूहुम बिही जहादन कबीर। वहुवल्लज़ी मरजल बहरीन हज़ा अज़ाबुन फुरातं वहज़ा मिल्हुन आजूजू वजअला बैनहुमा बरज़खं वहिजरं महजूर। सो ए नबी, हरगज़ ना मानो बात काफ़रों की और जहाद करो उनके साथ इस कुरान के ज़रिए से, ज़बरदस्त जहाद। और वही है जिसने मिलाया दो समुंदरों को, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और दूसरा सख्त नमकीन कड़वा, और हायल कर दिया इनके दरमियान एक पर्दा और रिकावट जो दोनों को मिलने से रोके हुआ है। इसकी तफसीर ऐसे है अल्लाह ताला का खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि हमने आपको ही तमाम बस्तियों बल्कि तमाम इंसानों के लिए नज़ीर बनाकर भेजा है। आप इस कुरान के ज़रिए से जहाद करें। अभी जहाद का हुक्म नहीं मिला था, इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के अहकाम को खोल खोल कर बयान करें और अहले कुफर के लिए जो वहीदे हैं वो वाज़े करें, यानी उनको अज़ाब आखिरत से डराएं। कुरान मजीद के अहकाम को आसान अल्फाज में लोगों की समझ के मुताबिक, ताकि वो समझ सकें, आपको कहा गया कि उनको बयान करें, यानी ये भी जहाद के बराबर है। और जो काफ़रों के लिए अहकाम के अलावा तंबीहात हैं, तंबीह की गई हैं, उनको भी मौसर अंदाज में इनको पेश करें। अल्लाह ताला ने हराम कर दिया गया है मीठा पानी। अल्लाह ने दो पानी पैदा किए हैं, एक मीठा और दूसरा खारी। मीठा पानी तो वो है जो नहरों में, चश्मों में और कुओं की शक्ल में आबादियों में पाया जाता है, जिसको इंसान अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है। और खारा पानी वो है जो मशरक़ मगरब में फैले हुए बड़े बड़े समुंदरों में है, जो ज़मीन का 3/4 हिस्सा है और जिसमें और 1/4 हिस्सा जो है खुश्की का है, जो हमारी ज़मीन है 1/4 हिस्सा है। 3/4 जो है 3/4 समुंदर हैं, जिसमें इंसानों और हैवानों का बसेरा है। ये समुंदर साकन हैं, अलबत्ता इनमें मद्दोजज़र होता रहता है और मौजों का तलातम जारी रहता है। और अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत है कि अल्लाह ताला ने इस पानी को नमकीन रखा हुआ है, खारा रखा हुआ है। मीठा पानी ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता, बदबू देने लगता है, जायका बदल लेता है, रंग बदल लेता है, जबकि खारा पानी जो है ख़राब नहीं होता नमकीन, ना इसका जायका बदलता है, ना रंग और ना बू। अगर इन साकन समुंदरों का पानी भी मीठा होता तो इसमें बदबू पैदा हो जाती, जिससे इंसानों और हैवानों का ज़मीन में रहना मुश्किल हो जाता। अल्लाह की हिकमत ये है कि हज़ारों बरस से ये समुंदर मौजूद हैं और इनमें हज़ारों जानवर मरते हैं, गलते सड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनमें नमकियात की इतनी मकदार रख दी है कि इनके पानी में ज़रा भी बदबू पैदा नहीं होने देता, और इन से उठने वाली हवाएं भी सही हैं और इनका पानी भी पाक है। हदीस इमाम मालिक 47, हदीस इब्ने माजा 38.7, हदीस जामे तिर्मिज़ी 83। तो ये तो यानी पैगाम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन काफ़रों को, इन मुनकरीन हक़ को डराएं,
और ये कुरान के ज़रिए इनको डराना, कुरान में जो अहकाम बयान हुए हैं उनको बयान करना और जो तंबीहात दी गई हैं उनको इन तक पहुँचाना, ये भी एक जहाद की किस्म है, जहाद से कम नहीं है। इसकी अहमियत बयान की गई है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनकी हिकमत का सरचश्मा है कि उन्होंने कि अल्लाह ने पानी भी दो तरह के पैदा किए हैं, एक मीठा और नमकीन, और दोनों ही इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।